हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज 30 जनवरी और 30 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज के शेड्यूल में जानेंगे। दोस्तों अभी RRB NTPC एग्जाम चल रही है, तो इस सारे क्वेश्चन जनरल करंट से रिलेटेड हैं। आज की इस वीडियो में आपकी बहुत हेल्प हो सकती है और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। शुरुआत करते पहले क्वेश्चन से। अरे दोस्तों, यानी कि 30 जनवरी को किस महापुरुष का शहीद दिवस मनाया जाता है? कौन शहीद आज किस रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को, है ना? तो इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज महात्मा गांधी शहीद हुए थे, महात्मा गांधी का शहीद दिवस है। आज के दिन 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी और उनकी हत्या हो गई थी। आज उनकी 73वीं पुण्यतिथि है। कौन सी तिथि है? 73वीं पुण्यतिथि है। तो महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता भी रहे हैं। अगर राष्ट्रपिता पूछे तो ये अपने भारत के राष्ट्रपिता कौन थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी के ऊपर ये सारे प्रश्न आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। देखिए, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस्टोनिया, तो ये हाल ही बनी दोस्तों, काजा क्लास, काजा क्लास। और एस्टोनिया की राजधानी कौन सी है? तालिन। और इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो। कौन सी मुद्रा है? मुरो, यूरो। और ये फिनलैंड और रूस की खाड़ी से घिरा हुआ देश है। तो एस्टोनिया के जो महिला बनी है, काजा क्लास बनी है, और इसकी राजधानी है तालिन बनी है, और इसकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। ठीक है, ये सारी जानकारी आप इसे रिलेटेड याद रखें। नेक्स्ट है, SBI के नए MD कौन बने? SBI के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विन कुमार तिवारी। SBI का फुल फॉर्म पूछे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा। सभापति की बात करें तो रजनीश कुमार। तो SBI से भी जानकारी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2021 भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर? तो कौन सी झांकी थी? वो उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश झांकी की थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो राम मंदिर की झांकी चयन की गई। तो उसमें कौन सी झांकी बनी थी? राम मंदिर। अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तर प्रदेश की झांकी किस थीम पे थी, तो राम मंदिर की थीम पे है। और इसी को प्रथम स्थान मिला। और अयोध्या में निर्मित भगवान राम के मंदिर की अलौकिक दृश्य भी वहां पे देखने को मिला उसी झांकी के अंदर, इसलिए प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, तोशाल शिल्प मेला कहाँ पे स्थित है ना? तो ये दोस्तों हाल ही में चल रहा है उड़ीसा में। कहाँ चल रहा है? उड़ीसा में। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बात करें नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल की बात करें गणेशी लाल। और उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर। ये चीजें भी आप याद रख के चलें। नेक्स्ट है, हाल ही में फुटबॉल के किस पूर्व गोलकीपर का निधन हो गया? तो प्रशांत डोरा। किसका निधन हो गया दोस्तों? प्रशांत डोरा का निधन हो गया। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 86वां स्थान। कौन सा स्थान रहा? 86वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन की सीएम मुख्यमंत्री बालिका मुख्यमंत्री बनी? और कौन सी बालिका बनी? देखो, किस राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य, ये शायद सीधा उत्तर। और कौन बनी? तो सृष्टि गोस्वामी। एक दिन की बालिका सीएम कौन बनी? तो सृष्टि गोस्वामी बनी। किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है ना? अब कहाँ की रहने वाली? हरिद्वार की रहने वाली है। और क्या कर रही है? कृषि एग्रीकल्चर में BSc कर रही है। उस समय वहां के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत।
उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें देहरादून, सॉरी सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। तो ये रिलेटेड चीज़ें भी आप याद रख के चले। छब्बीस जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? किस देश के सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? तो ये है दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। किस देश के सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी ने। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। और राजधानी वहां की कौन सी? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी? ढाका। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला है दसवां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति की घोषणा की, वो कब घोषणा की है? कब लागू हो जाएगी? 1 अप्रैल 2022 को लागू होगी। 1 अप्रैल 2022 से नीति लागू हो जाएगी, 1 अप्रैल 2022 से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें।